प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने ITI करने के बाद अपना खुद का रोजगार स्थापित किया हुआ है, और आइए जानते हैं कि इस विद्यार्थी ने कैसे अपना जो है कार्य शुरू किया हुआ था और कितने साल हो गए हैं और कैसे कैसे अपना जो कार्य है उन्होंने बढ़ाया है। तो देख सकते हो, ये मंडी आदमपुर जिला हिसार में रॉयल रेफ्रिजरेशन के नाम से ये शॉप इस विद्यार्थी ने की हुई है, और यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो आप, ये विंडो एसी, सिप्लेट एसी, फ्रीज, एयर कंप्रेसर का कार्य जो है वो ठीक किया जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो, कुलदीप कुमार जी हैं जिन्होंने 2015 और 17 के बीच में R&SC से गवर्नमेंट ITI आदमपुर से ITI की थी। उसके बाद में उन्होंने रॉयल रेफ्रिजरेशन के नाम से एक दुकान शुरू की, और दुकान करने के बाद में आज अपना जो कार्य है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अच्छी इनकम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। कुलदीप कुमार जी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, जो कि विंडो एसी, सिप्लेट एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेशन का जो रिपेयरिंग का जो कार्य है वो करते हैं, और काफ़ी सारे जो विद्यार्थी है इनसे ट्रेनिंग लेकर आज वो भी अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कुलदीप कुमार जी से मिलते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और कितना पैसा महीना का वो कमाते हैं। तो देख सकते हो, बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह का जो कार्य है यहाँ पे रिपेयरिंग का किया जाता है, रॉयल रेफ्रिजरेशन। तो देख सकते हो ये शॉप है, और यहाँ पे देख सकते हो AC रखे हुए हैं, इधर देख सकते हो, और ये फ्रिज, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए, ये है कुलदीप कुमार जी जो कि अपना कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख सकते हो, एक जो AC है उसको ये रिपेयर करेंगे, साथ में यहाँ पे देख सकते हो वॉशिंग मशीन का कार्य भी ये करते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये जो ट्रेनिंग जो इन्होंने ली हुई है गवर्नमेंट ITI आदमपुर में, जो कि R&SC जो ट्रेड है उससे उन्होंने अपना जो स्किल यानी हुनर है वो सीखा है, और पिछले 5 साल से इन्होंने शॉप की हुई है। तो देखते हैं कि ये जो कार्य है वो कैसे करते हैं। तो देखिए, कुलदीप कुमार जी देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग का जो कार्य है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार ये जो है रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इनसे हुनर यानी जो सीखकर यानी कला सीखकर अपना खुद का कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कुलदीप कुमार जी से और पूछते हैं उनको अपने भविष्य के बारे में। तो दिखाते हैं आपको इनकी जो शॉप है, किस तरीके से जो बच्चों को जो कार्य यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आइए कुलदीप जी, ये मनोज कुमार हैं, फेटर इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI आदमपुर। तो देख सकते हो, पिछले 5 वर्षों की कुलदीप कुमार जी की मेहनत है, और अंदर का जो है इनकी जो ऑफिस जो बना हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, आप भी R&SC से ITI करके अपना जो खुद का कार्य कर सकते हैं। जी कुलदीप कुमार जी, तो ये इनका ऑफिस है और यहाँ पे ये सिटिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कुलदीप कुमार की जुबानी से कि ये बताएंगे भी किस तरीके से, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पे अपनी शॉप जमाए हुए हैं। वेलकम कुलदीप कुमार जी। तो वेलकम कुलदीप कुमार जी, तो आइए जानते हैं कुलदीप कुमार जी से उनकी जुबानी से कि उन्होंने अपना जो करियर है वो कैसे शुरुआत किया। तो कुलदीप कुमार जी, बताइए अपने बारे में कि आपने जो ITI है वो कहाँ से ITI की और कौन से सन में की। सबसे पहले आइए सर, आपका स्वागत है, आप हमारी शॉप पे आए, हमसे मिलने आए, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार, मैंने सर 2015 से 2017 स्तर के अंदर अपनी ITI पास आउट की थी।
जी जी, जिसके अंदर हमारे राम प्रसाद सर जी से उन्होंने हमारे को अच्छा नॉलेज दी, वर्कआउट सिखाया, मेहनत करनी सिखाई। और 2015 से 17 के बाद पास आउट होने के बाद मैंने ये रॉयल एसोसिएशन के नाम से खुद की शॉप यहाँ स्थापित की। और आज मेरा काम देखो सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कि ऐसे है कि मैं 25-30 हजार रुपए अपना बिजनेस से आराम से कमा लेता हूँ, हो सकता है उससे मैं किसी ऊपर भी कमा लेता हूँ। जी जी। दूसरी आई के पास आउट करने के बाद भी और अलग से भी बच्चे मेरे पास काम सीखने के लिए आते हैं। जी जी। अब तक 2017 के बाद में 2022 चल रही है, अब तक 5 सालों में मिनिमम कम से कम 10 स्टूडेंट जी यहाँ से काम सीख के गए हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस भी अपने पैरों पर खड़े हैं। ओवरऑल वो अपना काम अच्छी तरह से चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टैंड। तो कुलदीप कुमार जी, आपने जो आईटीआई की करने के बाद में यहाँ पे शॉप कर ली है, तो उसमें किस तरह का जो कार्य है वो आप करवाते हो या सिखाते हो, कौन कौन से कार्य हैं जो ये मतलब शॉप पे करवाया जाता है? सर हमारा मेनली काम तो फ्रीज कूलिंग सिस्टम है जी, कूलिंग जैसे फ्रीज हो गया, एसी हो गई, वाटर कूलर हो गए, जो भी कूलिंग सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट है वो हम रिपेयरिंग का काम करते हैं। उसमें ऑल ओवर एसी, विंडो एसी आ जाती है, सप्लीट एसी आ जाती है, और फ्रिज आ जाते हैं, और जो ये चिलर प्लांट होते हैं पानी वाले, वाटर वाले, जो आरओ सप्लाई करते हैं, ये भी आ जाते हैं, उनका काम हम करते हैं। तो कुलदीप कुमार जी, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा ये कि जो विद्यार्थी आईटी पास कर चुके हैं आरएनएससी से या किसी भी ट्रेड से, लेकिन हम आज बात करेंगे आरएनएससी ट्रेड की, लेकिन आरएनएससी जो ट्रेड जो है उससे आईटीआई करने के बाद में अगर कोई विद्यार्थी शॉप करना चाहता है तो स्टार्टिंग कितने रुपए में ये अपना जो बिजनेस है, ये शॉप है, वो स्टार्टिंग कर सकता है? सर इसके लिए तो ज्यादा मनी या इतनी आवश्यकता नहीं होती। मेन हमारे पास जो औजार है वो नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। यदि बंदे को आज के टाइम में नॉलेज है तो वो अपना काम 25-30-40 हजार में अपने औजार, सबसे पहले औजार, औजार मैक्सिमम 40-50 हजार रुपए में आ जाते हैं सर। उसके बाद वो अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे सामान भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जी जी आज है सब कुछ, बहुत ज्यादा है। तो कुलदीप कुमार जी कहने का मतलब है ये 4-5 हजार रुपए लगा के अपने इंस्ट्रूमेंट औजार लगाकर जो विद्यार्थी जो है अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते। तो ये जो कुलदीप कुमार जी से हमने इंट्रोडक्शन करवाया, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि इनकी जो शॉप है ये मंडी आदमपुर जिला हिसार, प्रतीक जो है गोपीराम धर्मशाला है उनके पास इनकी शॉप है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का कार्य करवा सकते हो, एसी से संबंधित करवा सकते हो, या फिर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है, और विंडो एसी है, सिप्लीट एसी, इस तरीके के जितने भी रिपेयरिंग के जो कार्य है वो कुलदीप कुमार जी आसानी से कर लेते हैं। और इनके साथ काफी सारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ से सीख कर कार्य है अपना जो परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं यही सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध करूंगा कि जो विद्यार्थी 10th पास है या प्लस 2 पास है या बीए कर चुके हैं, उनको कहीं भी रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो आज के इस आधुनिक युग के अंदर वो विद्यार्थी आईटीआई की तरफ अपना रुख करें, आईटीआई करें, वहां से अपना ज्ञान लें, हुनर लें। इसी तरीके से कुलदीप जी की तरह भी आप अपना जो है रोजगार स्थापित कर सकते हैं, 25-30 या इससे ऊपर भी महीने की इनकम आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो, ये जो इंटरव्यू कुलदीप कुमार जी का आपने सुना तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता है एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।